बैक टू ह्यूमैनिटीज़ कॉर्नर होप यू एंड ऑल योर्स आर डूइंग वेल तो आज हम न्यू या ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के पार्ट सेकेंड को कंटिन्यू करेंगे जिन्होंने अभी तक पार्ट वन चेक नहीं किया है मेक श्योर यू चेक आउट दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड वीडियो में आगे जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर है कि वट वॉट यू बी गेटिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको नोट्स मिलने वाली है ये जो पी पी टी है आप इसको कंप्लीटली एज अ नोट प्रेफर कर सकते हो ठीक है अट्रैक्टिव इमेजेस के साथ इसीलिए बनाई गई है ताकि आप इनको ईजिली रिवाइज़ कर सको सेकेंड आपको एक डिजिटल माइंड मैप मिलने वाला है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट डाला गया है बट विद द हेल्प ऑफ दैट माइंड मैप यू कैन रिवाइज द चैप्टर हार्डली इन टेन मिनट्स इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पी मिलने वाली है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको इस चैप्टर में जितने भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है उनकी इन डिटेल जिस भी तरीके से वन मार्कर फॉर्मेट में वो आते हैं उसकी भी पी मिलने वाली है आई विल लिंक डाउन ऑल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेक श्योर आप इस चीज को चेक कर रहे हो एंड इफ यू लाइक द कॉन्टेंट हिट दट वेल आई कैन एंड शेयर विद्रेंड्स तो वीडियो में चलते हैं पार्ट वन में हम ई यू और एशियान को पढ़ चुके हैं आज हम चाइना को डिस्कस करेंगे ठीक है तो चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और ये अज्यूम किया जाता है कि बाई ट्वेंटी फोर्टी चाइना विल टेक ओवर यूएसएस इकॉनमी एंड इट विल आर्ट नंबर वन ठीक है इसके बाद अगर हम कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल uh, है तो वो है इसकी पॉपुलेशन इसका लैंड मास इसके रिसोर्सेज इसकी जो रीजनल लोकेशन है और इसकी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ठीक है अब नेक्स्ट हम इसकी ओके uh, okay, तो ये कार्टून आता है दैट इज द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन जो सिंबलाइज करता है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को इसके इन डिटेल्ड क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं आगे अब हम चाइना की हिस्ट्री देखते हैं तो चाइना को 1949 में इंडिपेंडेंस मिलती है उसके बाद माओ की लीडरशिप के अंदर ये सोवियत मॉडल यानी सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करते हैं एंड एज वी हैव रीडन चैप्टर नंबर सेकेंड सोशलिस्ट मॉडल के अंदर स्टेट कंट्रोल्ड इकॉनमी होती है ठीक है तो कुछ इसी मॉडल पर बेस्ड इनकी इकॉनमिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बेस्ड होता है अब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है बट इन्हें टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसा चाहिए था उसके लिए क्या करते हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं और उनके रिटर्न में जो पैसा आता है उससे नई टेक्नोलॉजी ये परचेज करते हैं ठीक है चीके? तो अब इस सोशलिस्ट मॉडल ने अलाउ किया चाइना को अपने रिसोर्सेज को यूज करके अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने में जिससे इवेंचुअली उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ठीक है अब क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल है तो इन्हें जॉब भी गवर्नमेंट ही देगी इनका सोशल वेलफेयर मेंटेन करने का जिम्मा भी अब सरकार के ऊपर ही आ जाता है तो चाइना ज्यादा से ज़्यादा फोकस करती है अपने सिटीजन्स को एजुकेट करने में और उन्हें एक हेल्दी लाइफ इंश्योर करने के लिए ठीक है अब इन सब से क्या होता है जो चाइनीज इकॉनमी होती है वो एक रैपिड स्केल पे ग्रो होती है विच वाज अबाउट फाइव टू सिक्स परसेंट पर ईयर बट अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होती है कि जिस पेस से इनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है उसी पेस से इनकी पॉपुलेशन भी ग्रो करती है दैट वॉज अबाउट टू टू थ्री परसेंट एनुअल ग्रोथ थी ठीक है क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है तो उन्हें फूड शॉर्टेज होने लग जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो पहले वो इंपोर्ट करके पैसा कमा के टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे अब इनके पास सरप्लस बचता ही नहीं है कि इंपोर्ट कर सके ठीक है तो एक सिमिलर क्राइसिस जो हमने चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ी थी यूएसएसआर को फेस करनी पड़ी थी वैसी ही क्राइसिस अब हमारा चाइना भी फेस करता है क्या फेस करता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है फूड शॉर्टेज हो रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कुछ खास ग्रो नहीं कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड ना के बराबर है तो पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा लो हो जाती है तो धीरे धीरे जो इकॉनमी ठीक ठाक चल रही थी वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है तो अब जरूरत पड़ती है चाइना को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तो आफ्टर नाइनटीन चाइना की जो लीडरशिप होती है उसमें एक मेजर शिफ्ट होता है आइडियलॉजिकल शिफ्ट होता है अभी तक जो पूरा सोशलिस्ट मॉडल चल के आ रहा था उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स कैपिटलिज्म के आने लगते हैं ठीक है ठीके? अब उसी को हमें पढ़ना है तो चाइना सबसे पहला स्टेप लेता है अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए अपना वो जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन उसने किया हुआ था उसको एंड करता है बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स इन नाइनटीन इसके बाद यहाँ के जो लीडर आते हैं हुआ जो एन लाई नाम को ज़रूर याद रखना ये मॉडर्नाइजेशन के लिए चार स्टेप्स बताते हैं ये बोलते हैं कि भाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साइंस और टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इन चार चीजों में अपना फोकस डाल दो पूरा एफर्ट डाल दो कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगी इकोनॉमी अपने आप ग्रो हो जाएगी ठीक है तो 1973 में जो एन ने ये चार मॉडर्नाइजेशन प्रैक्टिस प्रपोज की थी जिनको बाद में इंप्लीमेंट किया जाता है अब अपना सरकार जो होती है गवर्नमेंट जो होती है वो सारा फोकस इन चार चीजों पर लगा देती है इवेंचुअली इनकी ग्रोथ हो जाती है अब इसके बाद आती है ओपन डोर पॉलिसी जिसका सिंपल सा मतलब था कि अब चाइना ने अपने डोर्स को ओपन कर दिया है बाहर की जो कंट्रीज़ है अब वो चाइना में आके इन्वेस्ट कर सकती है 1978 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई दूसरी कंट्री आके चाइना में इन्वेस्ट कर सकती है बट उसके बाद जो वहाँ के लीडर आते हैं हु ऑज डांग जिंगपिंग नाम ज़रूर याद रखना सभी चीज़ों के और जो फोर रिफॉर्म्स थे उनको भी तो वो अनाउंस करते हैं ओपन डोर पॉलिसी को इसका मेजर एम यही था कि जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो देश में पैसा आएगा जिससे इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है अब अब इसके बाद नेक्स्ट आता है चाइनाज पाथ फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी तो हमने चैप्टर नंबर सेकेंड में देखा था जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होती है और उसके सोशलिस्ट मॉडल को कैपिटलिस्ट मॉडल में शिफ्ट किया जाता है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा निकल के आता है विच वॉज स्टांडर शॉक थेरेपी ठीक है लेकिन चाइना इस चीज में बहुत ज़्यादा समझदार होता है वो एक बहुत स्मार्ट मूव लेता है रादर देन ओपनिंग इट्स इकॉनमी एट वन टाइम वो स्टेप बाय स्टेप करके अपनी इकोनॉमी को ओपन करता है कैसे वो सबसे पहले 1982 में अपनी एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करता है और उसके 16 साल बाद आफ्टर सिक्सटीन ईयर्स इन नाइनटीन नाइनटी एट वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करता है ठीक है दैट वॉज अ स्मार्ट मूव जिससे कंट्री में वो वाला एक फेज़ uh, नहीं आया जैसा यूएसएसआर के अंदर कंट्रीज़ को देखने को मिला था ठीक है अब इसके अलावा थर्ड पॉइंट इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यार वो एरियाज होते हैं जहाँ पे ट्रेड बैरियर्स नहीं होते हैं ठीक है और एट प्रेजेंट फॉर योलेज फिलहाल अगर हम देखें तो चाइना के अंदर सेवन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनमें से एक है शंघाई बाकी के नाम मेरे को प्रोनाउंस करने नहीं आते एम रियली सॉरी फॉर दैट बट दैट इज एन एक्स्ट्रा नॉलेज हमारी बुक में नहीं है बट यू कैन कीप इट इन माइंड कि फिलहाल टाइम पे चाइना के अंदर सेवन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और सेवन इकोनॉमिक जोन्स फॉरन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन होती है क्योंकि वहां पर ट्रेड बैरियर्स नहीं होते हैं टैक्सेस नहीं लगते हैं ठीक है अभी इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना है दैट चाइना इज स्टिल सोशलिस्ट कंट्री भले ही उसने ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट करती है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए हैं या फिर एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया है द गवर्नमेंट ऑफ चाइना स्टिल हैज़ अ टेक ओवर ईच एंड एवरी ठीक है अब इसके बाद हम आउटकम्स देखते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने के तो सबसे पहले चाइना की जो इकॉनमी अभी तक स्टेगनेट हो गई थी वो एक बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो कर रही है सेकेंडली एग्रीकल्चर के प्राइवेटाइज होने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है साथ के साथ रूरल इनकम में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है और क्योंकि हमारी रूरल इनकम इंक्रीज़ हो गई है तो लोगों की सेविंग्स बचने लगी है जिससे अब वो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रूरल एरियाज़ भी अब डेवलप कर रहे हैं चाइना के नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हुआ है बिकॉज ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चाइना आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है एनी वेयर एन द वर्ल्ड ठीक है अब एक लास्ट पॉइंट है जब चाइना ने 2001 में डब्ल्यू टी ओ को ज्वाइन किया तो ये एक फर्दर स्टेप था उसका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ओपन अप होने का और इसकी अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड ट्रेड में अगर देखा जाए तो ठीक है अब ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं ऐसा नहीं हुआ कि जो चाइनीज इकोनमी के अंदर ड्रामेटिकली जो भी ये बूम आया है उससे सबको बेनिफिट्स हो रहा हो ठीक है एटलीस्ट हंड्रेड मिलियन पीपल वहां पे अनएम्प्लॉयड है दे आर लुकिंग फॉर द जॉब्स ठीक है फीमेल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है ठीक है कोई सेफ इन्वायरमेंट नहीं है वहां पर फीमेल्स के लिए इसके अलावा इन्वायमेंटल डिग्रेडेशन और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और Uh, इससे क्या हो रहा है इवेंचुअली जो हमारे रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच की इनक्वालिटी का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो देर आर मेजर प्रॉब्लम्स ऑल्सो ठीक है आई होप ये चीज़ समझ में आई हो अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में तो एज़ वी ओल नो इंडिया और चाइना की हिस्ट्री लगभग लगभग सिमिलर रही है बिफोर वेस्टर्न एम्पेरलिज़म दोनों ही कंट्रीज़ की बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज हुआ करती थी एज वेल एज़ ये एक मेजर इकोनॉमिक पावर थी एशिया के अंदर ठीक है बट उसके बाद जब इनके ऊपर इन्वेजन किया जाता है तो दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डीग्रेड हो जाती है और जब इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को 1947 में और चाइना को 1949 में तो कहीं ना कहीं ये होप और एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आगे चल के इन फ्यूचर एंड दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि दे आर ऑन द सेम पेज दोनों की कंडीशन एक जैसी है सिमिलर हिस्ट्री रही है हमने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी सुने थे बट इवेंचुअली ऐसा कुछ नहीं होता है आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस दोनों ही कंट्रीज तिब्बत इशू के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है इन 1950 उसके बाद 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो जाता है जिसमें इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस होता है और इसे हम डिटेल में सेकेंड बुक का जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे तो इवेंचुअली हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं टिल 1976 कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है बट इन 1981 कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं दोनों कंट्रीज़ की तरफ से टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स जो भी पुरानी कन्फ्लिक्ट उनको सॉल्व करने के लिए इसके बाद यही है कि कॉल्ड वॉर के बाद अगर हम देखते हैं तो दोनों कंट्रीज़ की जो सिचुएशन है दे आर अगेन ऑन द सेम पेज दोनों ग्रोइंग इकोनमीज़ है एशिया के अंदर ठीक है अब देखते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं इनके रिलेशनशिप में तो सबसे पहला यही है कि 1988 में राजीव गांधी आफ्टर जो भी वॉर या इंसिडेंट्स हुए ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट चाइना तो वहाँ भी हमारे काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए हैं एंड उसके बाद से हम देख रहे हैं शी जिंग भी आए थे थोड़े टाइम पहले इंडिया के अंदर ठीक है तो रिलेशनस अब ठीक हो रहे हैं इंडियन लीडर्स चाइना जा रहे हैं और चाइना के लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं दोनों गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं टू मेंटेन पीस एंड ट्रांसिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर्स इसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं कल्चरल एक्सचेंज को लेके, ट्रेड को लेके। तो अब एक बार थोड़ा सा इनका ट्रेड भी डिस्कस कर लेते हैं तो सिंस 1999, इंडिया चाइना का ट्रेड एट अ पेस ऑफ 30 परसेंट ग्रो कर रहा है विच इज अ गुड थिंग अगर हम बायोलिट्रल ट्रेड को देखते हैं तो इट वॉज थ्री थर्टी एट इन नाइनटीन नाइनटी टू एंड इट हैज़ इंक्रीज टू एटी फोर बिलियन डॉलर इन टू थाउजेंड एंड ठीक है तो ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं अगर इसके अलावा हम सिमिलैरिटी देखते हैं तो डब्ल्यू में दोनों ही कंट्री की पॉलिसीज भी सिमिलर हैं साथ के साथ इनकी इन्फ्लुएंस भी है ठीक है तो अभी ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद हमारी हिस्ट्री रही है रिलेशन्स अच्छे दे रहे हैं फिर उसके बाद उनको इंप्रूव करने का ट्राई किया गया है बट स्टिल अभी भी काफ़ी ऐसे एरियाज़ है जिन पर हमें काम करना है टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना ठीक है रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं डाउन स्लाइड ही हो रहे हैं ठीक है इन दिस ईयर ओनली 2021 में हमने देखा कि लद्दाख के ऊपर एक बार फिर से क्लाश हुआ था इंडिया चाइना के बीच में ठीक है और काफ़ी सारी यार चाइना की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली इंडिया को इम्पैक्ट करती है फॉर एग्जांपल चाइना को जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट होता है ठीक है इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे स्टिल ऑन गोइंग सो दैट वाज ऑल अबाउट चाइना अभी इसके बाद दो और कंट्रीज आती है विच आर जापान एंड साउथ कोरिया काफ़ी छोटे एक्सप्लेनेशन है तो पहले जापान को पढ़ते हैं तो एज वी ओल नो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी इसके ऑलमोस्ट टू सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जापान के पास ख़ुद के नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी कम है इसीलिए इसको नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करना पड़ता है उसके बाद जो रो मटेरियल इन्हें इम्पोर्टेड होता है वो इंडस्ट्रीज तक सप्लाई होता है देन इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन होता है तो इसके इतनी सारी डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी कैन यू इमेजिन कि 2017 में जापान की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी थी वर्ल्ड के अंदर तो जिस ग्रोथ से जापान ग्रो कर रहा है इट इज़ प्रटी कमेंडेबल जापान का जो मॉडल है वो ज़्यादातर फोकस करता है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करने में यहाँ की गवर्नमेंट ज्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की एजुकेशन हेल्थ इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है ठीक है इसके अलावा दो तीन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि 1964 के अंदर इसने ओ ग्रुप ज्वाइन किया था जो यूरोपियन नेशनस का एक ग्रुप था नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ओनली एशियन मेंबर है जो जी सेवन कंट्रीज का एक पार्ट है और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये इलेवेंथ नंबर पर स्टैंड करता है इसके बाद नेक्स्ट आता है अगर हम बात करें यूएन के अंदर तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आफ्टर यूएसए एंड हर साल ये टेन परसेंट बजट कंट्रीब्यूट करता है यूएन के अंदर नेक्स्ट है कि जापान ने एक सिक्योरिटी अलायंस या फिर एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया था यूएसए के साथ जो 1951 से फॉर्मुलेट है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यार ये है कि जापान अपनी जीडीपी का सिर्फ वन परसेंट पैसा अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है एंड इट इज सेवेंट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड तो काफ़ी सारे ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जापान के बारे में तो आई वुड सजेस्ट कि इसके बारे में पढ़ो जापान इज अ इंटरेस्टिंग कंट्री ठीक है अगर हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद उसने इतने सही तरीके से ग्रो कर लिया है कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है सेवन्थ लार्जेस्ट उसकी मिलिट्री है सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कंट्री इन इट ठीक है अभी इसके बाद हमें साउथ कोरिया पढ़ना है तो साउथ कोरिया को पहले हम मैप से समझते हैं तो कंप्लीट पहले कोरिया एक कंट्री हुआ करती थी बट ड्यू टू फाइट्स एंड वेरियस इश्यूज़ दोनों कंट्रीज़ का पार्टीशन हो गया ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया बन गया और नीचे वाला साउथ कोरिया बन गया तो नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर uh, बात करें तो किंग जोंग का नाम काफ़ी बार आता रहता है इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कंट्री ऑल्सो लाइक जापान बट हमें साउथ कोरिया के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में तो स्टार्ट करते हैं तो साउथ कोरिया की भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ही देखनी है मेनली यू सॉरी जापान की तरह ही तो यू का ये मेम्बर बन गया था सेवनटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन में इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो नाइनटीन के बाद से ये एक मेजर इकोनॉमिक पावर इमर्ज हुआ है सेंट्रल uh, एशिया में ठीक है इसीलिए इसको मरैकल ऑन द हैंड रिवर भी बोला जाता है हैंन का अगर हम कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसका मतलब होता है ग्रेट ठीक है मरैकल ऑन द हैन रिवर ये एक फ्रेज कोट किया था साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने नाइनटीन uh, सिक्सटी में जब वो न्यू ईयर पार्टी को होस्ट कर रहे थे और इसका बेसिक जो मतलब है ये इंडिकेट करता है साउथ कोरिया के उस ट्रांजिशनल फेज को कि किस तरीके से पहले वो एक पुअर कंट्री हुआ करती थी और कैसे अब वो इतनी अच्छी इकोनॉमिक कंट्री बनती जा रही है सो इट स्पेसिफाइज द जेन्ट इकोनॉमी ऑफ साउथ कोरिया इसके बाद दो एडिशनल पॉइंट्स वही है कि इसने 1996 में जापान की तरह ओ ई ज्वाइन किया था फिर 2017 की अगर हम बात करते हैं तो ये इलेवेंथ लार्जेस्ट इकॉनमी था वर्ल्ड के अंदर एंड टेंथ लार्जेस्ट इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ठीक है so it can also serve as a alternative center of power, right? so that was all about our chapter and here we came to an end. तो so, ये पूरा explanation था 30 minutes के अंदर हमने try किया है कि कम से कम time में ज़्यादा से ज़्यादा information को explain किया जा सके through the help of PPT अब बात आ दें कि इस वीडियो से आपको क्या और बेनिफिट मिलने वाले हैं तो सबसे पहले आपको नोट्स मिल गए ये जो पीपीटी है ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है इसको पढ़ लिया मतलब आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया ठीक है आई कैन गारंटी दैट इसके बाद अगर किसी का मन ना हो इनको ना पढ़ के पंद्रह बीस मिनट में चैप्टर को रिवाइज करने का के, करने का तो उनके लिए है माइंड मैप जो कि एक वन पेज नोट है देखो कुछ इस तरीके से माइंड मैप को बनाया गया है ठीक है जूम करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ही पेज में सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी थी बहुत टाइम लगा है बहुत एफर्ट लगा है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना इसके बाद आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर लास्ट टेन ईयर ठीक है लास्ट टेन ईयर्स तो मैंने डाले हैं बट वाइल आई वॉज सर्चिंग मेरे को काफी सारे क्वेश्चंस 2007, 8, 9 के भी मिल गए थे तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए थे तो ऑलमोस्ट 40 या 43 के अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें आपके मैप बेस्ड भी, भी आ गए कार्टून बेस्ड भी आ गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आए हैं वो आ गए हैं इसके बाद हर चैप्टर में एटलीस्ट हमारे चार से पांच कार्टून होते हैं ठीक है थीके? और काफ़ी बार हम कुछ को मिस कर जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं किसी किसी पेज पे नहीं भी देखा तो इसके लिए एक चीज़ की गई है कि जितने भी कार्टून थे आपके इस चैप्टर के अंदर उसकी एक पी बना दी गई है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी डाल दिया गया है सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो कॉन्टेंट पसंद आए एक्सप्लेनेशन पसंद आए इन सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेक श्योर यू चेक इट आउट सो दैट्स ऑल अबाउट टूडे सी यू ए नेक्स्ट ब बाय